कैश फ्लो स्टेटमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर आपको अच्छे से समझ आया, आप ये लगा लो कि आपका 80% काम हो गया। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अच्छे से समझ आया तो आपका ऑलमोस्ट 80% काम हो गया, मेजॉरिटी काम हो गया। तो जान लगा के आपने सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है आज। अगर आप ध्यान से सुना तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आधे से आधा खत्म हो जाएगा आपका यहीं आज बैठे बैठे। ओके, सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेंट्रेशन, और कुछ नहीं। अब तो आ ही गए हो, ठीक है ना? तो अब तो उस जोन में आ गए हो, तो बस मैं कह रहा हूँ कि उसका फायदा उठा सकते हो अपना एक बहुत बड़ा बर्डन कम करके। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी तक आपको बहुत जनरल सी बातें आती हैं, बट वो नहीं आती तो आप आगे नहीं कर पाओगे। क्या बातें आनी चाहिए? डिविडेंड की क्या ट्रीटमेंट होती है, मीनिंग क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कोई डाउट है उसमें तो अभी पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट? फाइनेंशियल ईयर की कहानी आपके दिमाग में छपी रहनी चाहिए कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ प्रोविजंस करेंट ईयर में क्रिएट तो हो गए बट पेमेंट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि कुछ करंट ईयर की चीजें करंट ईयर में प्रोविजन क्रिएट करना भी पॉसिबल नहीं, जैसे कि प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पूरी जो स्टेटमेंट है तीन पार्ट्स में, टेक्निकली चार पार्ट्स। पहले तीन पार्ट क्या है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। चौथा होता है समरी कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ऐड करेंगे, नेट इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा, क्लोजिंग। तो वो तो एक अलग चीज हो गई, तो बस टोटलिंग है। तो टेक्निकली तीन कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत ही लंबा फॉर्मेट है, तो उसको हम ब्रेक करके आराम आराम से पढ़ेंगे। चार पार्ट्स में उसको मैंने ब्रेक करा। टेक्निकली जो फोर्थ पार्ट है वो स्टेप फोर एंड स्टेप फाइव मर्ज्ड है। वो इतने छोटे छोटे हैं कि उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सभी छोटे छोटे। बट सोचो ये तो एक ही है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मांग रहे हैं आपसे। उसको मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि वो अपने आप में थोड़ा बड़ा है तो उसको ब्रेक कर दिया है छोटे छोटे स्टेप्स में। वी विल पहले पूरी स्टेटमेंट, एग्जाम में तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगी, तो पहले मैंने उसको ब्रेक कर दिया तीन पार्ट्स में। हम अभी सिर्फ ऑपरेटिंग पे फोकस करेंगे। मैं कह रहा हूँ मैंने ऑपरेटिंग को फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया चार पार्ट्स में, अभी हम एक पार्ट पे फोकस करेंगे। जब आप एक पार्ट पे फोकस कर रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि बस यही एग्जिस्ट करता है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ताकि वो चीज समझ आए तो लगे हाँ इतना पार्ट तो हो गया, चलो आगे बढ़े। ओके, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पर्पस क्या है? ये कैलकुलेट करना कि नेट इंक्रीज रहा या नेट डिक्रीज रहा, नेट इंक्रीज रहा या नेट डिक्रीज रहा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट फ्लो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या रहा? कैश पॉजिटिव था तो लिखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव था तो लिखते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसको निकालने से पहले काफी सारी चीजें निकलती हैं। अब जैसे हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करा, ओल्ड वाला, लास्ट में जाके निकलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उससे पहले काफी सारी चीजें निकलती है ना, कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हो, क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, पीबीआईटी क्या होता है, नेट रिजल्ट पीएटी निकल गया, बट उसके बीच में बहुत सारी चीजें निकली। तो ऐसे ही नेट रिजल्ट हमें वही निकालना है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, बट उसके रास्ते में अलग अलग चीजें आएंगी। पहला स्टेप होगा ये कैलकुलेट करना कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स क्या है। तो आपका स्टेप वन क्या हो जाएगा? अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ चुके हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ होल, नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। तो अब हम जितनी भी बातें करेंगे इसकी कैलकुलेशन पे होगा। दिस इज योर स्टेप वन, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। पहला स्टेप, आपको जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में गिवन होता है लास्ट आइटम क्या होता है? वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल फिगर क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक ही बात होती है। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट दिया होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है,
तो आपको सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए तो टैक्स एड बैक कर दो, एज सिंपल एज दैट। बट जो अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स है तो वो भी वहां पे आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिख जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में होगा या अदर इनकम में होगा। कोई इंश्योरेंस क्लेम है तो वो अदर इनकम में आ रहा होगा, कोई लॉस बाय फायर अर्थक्वेक कुछ भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से कुछ भी लॉस है वो अदर एक्सपेंसेस में आ रहा होगा। पॉइंट इज कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाने तो टैक्स एड बैक कर दो, और आपके अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स हैं तो उनको रिवर्स कर दो। लॉसेस थे तो लॉसेस ने आपके प्रॉफिट्स को कम कर दिया होगा, उनको एड बैक कर दो। जैसे हमने गुडविल में बचपन में एक चैप्टर किया था ना, गुडविल, जिसमें हम अब नॉर्मल आइटम्स को रिवर्स कर देते थे क्योंकि हमें चाहिए था प्रॉफिट बिफोर दीज एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, कि हमने कमाया कितना बिजनेस है, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी अब नॉर्मल आइटम्स है, ये कोई रूटीन नहीं है, तो हम उनको बस रिवर्स कर देते। तो यहाँ पे भी वही होगा। बट कभी कभी हमें हो सकता है बैलेंस शीट गिवन हो। क्या गिवन हो? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, उसमें जो रिजर्व एंड सरप्लस का एक आइटम होता है सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो आता है आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस। वो क्या आता है? आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस। अप्रोप्रिएशंस लाइक, अप्रोप्रिएशंस लाइक प्रपोज डिविडेंड, कि डिविडेंड के लिए आपने अप्रोप्रिएट कुछ पैसा सेट असाइड करा। अप्रोप्रिएशंस लाइक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और इंटरिम डिविडेंड, समझ आए? अप्रोप्रिएशंस होती है डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं आती। तो मैं क्या निकालूंगा? फर्स्ट स्टेप इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, उसका नाम है, बट एक्चुअली हमें क्या निकालना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स एंड अप्रोप्रिएशंस। तो टेक्निकल नेम तो यही रहेगा, बट आपको ये समझ आना चाहिए कि बिफोर अप्रोप्रिएशंस। क्यों सर बिफोर अप्रोप्रिएशंस? अरे आपने उस साल कुछ पैसे कमाए, 10 लाख कमाए थे, 2 लाख अगर रिजर्व में ट्रांसफर कर भी दिए तो आपका जो अवेलेबल प्रॉफिट है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो तो कम हो जाएगा, बट क्या वो 2 लाख कोई बिजनेस एक्सपेंस था? अरे आपने तो कमाए थे तो एक्चुअली तो आपके पास ज्यादा पैसे पड़े होंगे ना, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो एक इंटरनल ट्रांजेक्शन है, उसमें तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी नहीं है, ना तो कोई पैसे गए ना ही कोई वो एक्चुअल एक्सपेंस है। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में आपको टैक्स रिवर्स कर देना है, आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स रिवर्स कर देने हैं, आपको अप्रोप्रिएशंस रिवर्स कर देने। क्लियर? कहाँ दिखाएंगे? ऑप्शन 1, टेक्निकली करेक्ट वर्किंग नोट में। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं होता, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाहर 2 पेज के आप जगह छोड़ते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपको क्या पता किस साइज का होगा, अगर पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है तो 2 पेज छोड़ दो, फिर उसके बाद वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। उस वर्किंग नोट में आप सारी कैलकुलेशन कर देंगे, वो तो अभी हम देखेंगे कैलकुलेशन क्या है। फिर उसके बाद जो वैल्यू आई, फिर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट हेड हो जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 0.1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, ब्रैकेट्स में वर्किंग नोट नंबर 1, वहां पे डायरेक्टली अमाउंट आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, कि जो आप वर्किंग नोट में दिखा रहे थे वही सेम चीज आप डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते। स्कूल लेवल पे थियोरेटिकली दोनों बातें अलाउड है, स्कूल लेवल पे थियोरेटिकली दोनों बातें अलाउड है, रियल लाइफ में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स वर्किंग नोट में ही बनाया जाता है। तो कैसे कैलकुलेट होता है, ध्यान से देखेंगे फॉर्मेट क्या है। स्टेप 1, डिटरमिन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। स्टेप 1, अब मैंने क्या बताया, 2 चीजें हो सकती हैं, 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, आपके सामने क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपके पास क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशंस? आफ्टर टैक्स, क्योंकि अप्रोप्रिएशंस तो वहां पे जाके रिजर्व एंड सरप्लस में होती हैं। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका जो लास्ट फिगर होता है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उससे अगर आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, तो आपको सिर्फ 2 चीजें रिवर्स करनी है, एक टैक्स और एक एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, एक टैक्स और एक एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। ध्यान से देखेंगे, देख लिया, समझ आ गया पूरा? चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं लिख के दिखाता हूँ और अच्छे से समझ आएगा।
तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। ये कब है, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपका स्टार्टिंग फिगर है, कि आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिख रहा है, एड बैक कर दो। क्या एड बैक कर दो, प्रोविजन फॉर टैक्स, एड बैक कर दो प्रोविजन फॉर टैक्स, माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, टैक्स रिफंड। प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों ऐड बैक कर दिया, हमने सीखा था, करंट ईयर प्रोविजन ऐड बैक करते हैं, दोबारा रेपिटेशन लिखेंगे हम, क्यों ऐड बैक करते हैं, कौन बताना चाहेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो गया, ये बता दिया, कौन सा है ये, करंट ईयर प्रोविजन, क्यों ऐड हुआ, रीजन कोई बताना चाहेगा, ट्राई करेंगे, गलत हो गया तो क्या हो गया। जय, ओके, प्रॉफिट्स किसको प्रॉफिट्स नहीं करता प्रॉफिट्स को अफेक्ट, पीबीटी माइनस टैक्स इज पीएटी। तो जब आप टैक्स का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये आपके प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो प्रॉफिट्स को तो अफेक्ट करता है, वेरी गुड, ये प्रॉफिट्स को तो अफेक्ट कर रहा है, इस फिगर ने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया, बट अभी इसकी पेमेंट थोड़ी ना हुई है, जो करेंट ईयर में प्रोविजन पे क्रिएट करा है वो नेक्स्ट ईयर पे होगा, कहानी फाइनेंशियल ईयर की, टैक्स रिटर्न के आसपास उसकी पेमेंट होगी, इफ नथिंग एल्स इज मेंशन। तो हमें तो ये देखना है कि हमारे पास कैश कितना पड़ा है, तो ये जो आपने प्रोविजन क्रिएट करा है जिससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, ये पैसे यूज हुए हैं क्या अभी, ये पैसे तो अभी बिजनेस में ही पड़े हैं, तो ऐड करा प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर, क्यों ऐड बैक करा, दिस अमाउंट reduces the profit of the current year but not the cash balance. When we say cash balance, it includes bank balances. कोई डाउट? टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड एक ही गिवन होगा, एक फिगर गिवन होगा, अगर अगर एग्जिस्ट करता है तो, उसमें कोई करेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं होता, तो रिफंड अगर है तो कहाँ होगा, वो आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में अदर इनकम में आ रहा होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको फिगर दे रखा है टैक्स रिफंड इतना है, अगर टैक्स रिफंड इतना है तो उसको माइनस कर दो, इफ गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाई, क्वेश्चन इज व्हाई, रीजनिंग बहुत जरूरी है, जो मैं आपको वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ, फॉर्मेट तो सामने आपके बुक में भी है 50 बार, उसको देख देख के याद कर लो, भूल भी जाओगे अगर लॉजिक नहीं पता होगा, तो हर एक आइटम क्यों ऐड हुआ उसकी अपनी रीजनिंग क्लियर जरूर रखना लिख के। तो माइनस होगा रिफंड ऑफ टैक्स, क्यों माइनस होगा, अब जैसे रिफंड आया, तो रिफंड आया तो मैंने बताया ना कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आपने अदर इनकम में दिखा दिया, इसने मेरे प्रॉफिट्स को तो बढ़ा दिया, इसने मेरे प्रॉफिट्स को तो बढ़ा दिया, बट क्या ये एक्चुअली कोई बिजनेस इनकम है, और मुझे तो चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि टैक्स की किसी भी आइटम से पहले मैंने कितना कमाया। बट सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, गुड, इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ना तो वो इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है, तो सर फिर क्यों माइनस हो रहा है, अगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो फिर वो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का पार्ट होना चाहिए, तो फिर क्यों वो माइनस हो रहा है, इट इज नॉट एक्चुअली अ बिजनेस इनकम, इट इज शोन एट द एंड ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज अ रेजिडुअल आइटम, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द कैश फ्लो, बट इट इज नीदर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग, देयरफॉर इट इज शोन अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहीं अगर कैश फ्लो है तो फ्लो तो हुआ है और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है, इट इज नॉट एक्चुअली अ बिजनेस इनकम और एन एक्सपेंस। तो इसीलिए मुझे पहले ये जानना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, तो जब उसने खुद ही बोल दिया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो चाहे वो आपका टैक्स रिफंड था, चाहे वो टैक्स प्रोविजन था, दोनों से पहले का फिगर पूछ रहा है, तो प्रोविजन था तो आपने क्रिएट करा होगा उसको ऐड बैक कर दो, रिफंड है तो आपने ऐड कर रखा होगा उसको माइनस कर दो, टैक्स रिफंड इज डिडक्टेड, वाई, इट इज इंक्लूडेड
इन द प्रॉफिट्स बट इट इज नॉट अ बिजनेस इनकम। और हमारी रिक्वायरमेंट ही क्या है, हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा ऐड बैक होगा? करेंट ईयर। कौन सा टैक्स माइनस होगा? इनकम टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड, 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 यहाँ पे अभी फर्स्ट पार्ट में कोई प्रीवियस ईयर का कोई रोल नहीं है, बी केयरफुल, रिफंड माइनस हो रहा है, कोई डाउट? और इसके अलावा एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स का क्या होगा? अब एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स तो बेटा वही जो बचपन में हम करते थे नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए। तो अगर कोई आपके अबनॉर्मल लॉसेस हुए उस साल, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम में क्या आएगा? आपके लॉसेस, लॉस बाय अर्थक्वेक, फायर, कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस हो गया आपका। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस भी एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस माने जाते हैं। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, वो भी एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस माने जाते हैं क्योंकि वो रूटीन, अभी प्री प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुआ तो अभी उनको बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाता, तो उनको एक सेपरेट कैटेगरी डाल दिया जाता है प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस माने जाते हैं। पॉइंट, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस क्या करते हैं? एक्सपेंसेस तो कोई भी हो तो मेरे प्रॉफिट्स को रिड्यूस करते हैं। अब ये क्या हर साल होंगे? ये कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस है? नो। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे ऑपरेशन से, बिजनेस से कितना पैसा आया। तो अगर आपका कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस आपने दिखा रखा है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया है तो उसको रिवर्स कर। तो एक्सपेंसेस जब रिवर्स होते हैं तो ऐड बैक होते हैं या माइनस माइनस होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो क्या हो गया? ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस और माइनस हो जाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स। कोई बेटा क्यों लिख देता हूं मैं, रिस्क लेने का नहीं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉसेस दे रिड्यूस द प्रॉफिट्स बट आर नॉट रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस। ये कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है भैया, ये रेकरिंग नेचर के नहीं है। मुझे चाहिए बिजनेस ऑपरेशन से कितना पैसा आया। क्लियर? लॉजिक समझ आया? और एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स क्यों माइनस हुआ? दे इंक्रीज, अब आप एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स, एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम, अब इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको, वो क्या बिजनेस इनकम है आपकी? पैसे तो आए हैं, कैश तो आया है। कह रहे अभी क्या चाहिए? कह रहे अभी चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। कह रहे फिर तो हटाओ क्योंकि रिक्वायरमेंट है ना, अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। तो टैक्स को रिवर्स कर दो, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स को रिवर्स कर दो। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स क्या करते हैं? दे इंक्रीज द प्रॉफिट्स बट आर नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम, बट आर नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम। कोई भी डाउट? क्लियर? तो ये इतना ही है, बट कब? अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको बैलेंस शीट गिवन हो, स्टार्टिंग पॉइंट इज द सरप्लस। तो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट सरप्लस है तो जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो तो है ही हैं। अब क्या हो जाएगा? हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स एंड अप्रोप्रिएशंस, एंड अप्रोप्रिएशंस। तो अप्रोप्रिएशन के आपको क्या एग्जाम्पल दिए? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और डिविडेंड। डिविडेंड दो टाइप का हो सकता है आपका, एक एनुअल डिविडेंड जिसे प्रपोज डिविडेंड कहेंगे, फाइनल डिविडेंड कहेंगे, और एक इंटरिम डिविडेंड। बट सर आपने तो बताया ना कि प्रपोज डिविडेंड तो आता ही नहीं है, करेंट ईयर का नहीं आता, करेंट ईयर का इग्नोर किया जाता है। तो जो प्रीवियस ईयर का था वो तो करेंट ईयर में अप्रूव हुआ होगा, तो करेंट ईयर में आपने अपने प्रॉफिट्स में से एलोकेशन करी होगी, तो प्रॉफिट्स में से एलोकेशन करी होगी।
तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर दिया होगा, बट क्या वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? डिविडेंड पे करना क्या वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है? क्या होता है? करेक्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। तो हमें चाहिए बिजनेस ऑपरेशन से कितना आया, तो इसलिए प्रपोज डिविडेंड कौन सा प्रीवियस ईयर का एड बैक हो जाएगा, यूज हो रहा है करेंट ईयर प्रीवियस ईयर, तो वो चीज आपके टिप्स पे। तभी मैं कह रहा हूँ ना, हर एक चीज का कोई लॉजिक होगा कि अगर मैंने एक चीज पे इतना टाइम लगाया है तो कोई ना कोई रीजन रहेगा, वो आपको आगे काम आएगा। हर चीज लिंक्ड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हर चीज लिंक्ड है। तो मैं आराम आराम से बम फेंकूंगा, तो छोटे छोटे बम आएंगे तो आप बच सकते हो, तो जो एक साथ बम आएंगे फिर नहीं बच सकते, इम्पॉसिबल होगा आपके लिए कैश फ्लो करना अगर आपने एक साथ आने दिए तो। मैं कह रहा हूँ ना, हर क्लास में दो दो तीन तीन आएंगे तो आप इजीली हैंडल कर पाओगे, आप इधर हो जाओगे तो भी बच जाओगे, इतना आसान होगा। लेकिन एक साथ 10 फेंकूंगा तो बच नहीं सकते, तो आपके ऊपर है कि आपने एक एक करके लेना है या एक साथ लेना है। मैं तो एक एक करके ही दूंगा, बट आप एक एक करके तब लेंगे जब आप पिछला क्लोज करके मेरे पास आ रहे हैं। ओके, सो अप्रोप्रिएशन, जैसे पहले एग्जाम्पल दिया मैंने डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, करेंट ईयर तो कंप्लीटली इग्नोर, करेंट ईयर तो कम्प्लीटली इग्नोर, बात हुई सिर्फ प्रीवियस ईयर की रही है। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो करेंट ईयर एलोकेट हुआ होगा, तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस किया होगा, बट ऑपरेटिंग सर पैसे नहीं दिए होंगे। बेटा करेंट ईयर जो अप्रूवल आया है वो करेंट ईयर में आपने एलोकेशन करी होगी और पे भी हो जाता है विद इन 30 डेज, तो पेमेंट तो हुई है। ऐसा नहीं है कि उसने पैसे नहीं दिए, कि प्रोविजन फॉर टैक्स में तो वो लॉजिक है ना कि प्रोविजन तो क्रिएट हुआ है, पेमेंट थोड़ी ना हुई है। प्रपोज डिविडेंड करेंट ईयर तो जीरो, भूल जाओ उसको, प्रीवियस ईयर डिक्लेयर भी हुआ है, अप्रूव भी हुआ है और पे भी हुआ है, सर फिर क्यों ऐड बैक कर रहे हैं? क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यहाँ पे ऐड बैक कर दिया जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज एन आउटफ्लो दिखा दिया जाएगा। पहला आइटम प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, दूसरा आइटम इंटरिम डिविडेंड, सेम लॉजिक, इंटरिम डिविडेंड आपने करेंट ईयर में ही डिक्लेयर किया, करेंट ईयर में ही पे हो गया होगा, फिर क्यों ऐड बैक हो रहा है सर? बिकॉज इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे ऐड बैक हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज एन आउटफ्लो आ जाएगा। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आपने अपने प्रॉफिट्स में से कुछ एलोकेशन करी और रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया, तो आपके प्रॉफिट्स तो रिड्यूस हो गए। ये तो एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ये तो कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई ट्रांसफर एंट्री है, ये तो बस इंटरनल, तो पैसे तो आपके पास ही पड़े हुए हैं। आप जानना चाहते हो कि बिजनेस से कितना आया, तो इसको ऐड बैक कर दो। कोई डाउट? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड यहाँ ऐड बैक हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेमेंट दिखाई जाएगी आउटफ्लो। इंटरिम डिविडेंड यहाँ ऐड बैक हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाई जाएगी आउटफ्लो। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बस यहाँ ऐड होगा और कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि वो कोई एक्सपेंस ही नहीं है, वो पैसे तो कहीं गए ही नहीं, तो मेरे प्रॉफिट्स को उसने रिड्यूस कर दिया लेकिन पैसे तो मेरे पास ही पड़े हैं, कह रहे इसको ऐड बैक करो। और कहीं कोई पेमेंट नहीं हुई तो इसलिए कहीं और दिखाने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट अफेक्टिंग माई कैश बैलेंस। तो ये सब आइटम्स तो है ही है, हो गया कि क्या हुआ, चेंज क्यों नहीं होता, सेम था पूरा। तो ये वाला था ना सरप्लस आएगा स्टार्टिंग पॉइंट, तो बाकी तो है ही है। नए पॉइंट क्या है? डिविडेंड प्रपोज्ड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये तीन चीजें हैं, बाकी तो सेम है एग्जैक्टली। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये कौन सा होता है? अगर प्रपोज्ड डिविडेंड की बात करी जाए तो कौन सा? प्रीवियस ईयर। अगर मैं नीचे क्वेश्चन में वैसे लिख दूं कि डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा था, तो बात ही खत्म हो गई, वही ऐड होगा यहाँ पे और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। दिमाग तो तब लगेगा जब आपको नीचे प्रपोज डिविडेंड के दो फिगर्स दे रखे होंगे, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। जब एक ही फिगर दे रखा है तो वही है, तो कोई डाउट ही नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है ना, डिविडेंड पेड बोल दिया उन्होंने, ठीक है ना, तो वो उसी साल पे हुआ है, तो कोई भी डिविडेंड बिना प्रोविजन क्रिएट करे पे नहीं हो सकता, तो उसने प्रॉफिट्स में तो रिडक्शन हुई होगी, तो आपको तो एडबैक करना ही करना है और फाइनेंसिंग में दिखाना है आउटफ्लो। फिर ध्यान कब देना है? जब प्रपोज डिविडेंड के दो फिगर हैं, तो करेंट ईयर को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं, प्रीवियस ईयर के साथ ये ट्रीटमेंट होती है कि जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो यहाँ पे एडबैक होगा फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। इंटरिम डिविडेंड का एक ही फिगर होता है, वो उसी साल डिक्लेयर होता है, उसी साल पे होता है।
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा। कोई डाउट? मुझे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत तो नहीं है ना अभी, क्योंकि लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। मैं लॉजिक एक बार फिर भी लिख देता हूँ कि दिस इज अ एड बैक क्यों हुई, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरिम डिविडेंड सेम, क्यों एड बैक हुई, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसने मेरे कैश को ही रिड्यूस नहीं करा, तो एड बैक करो। कोई भी डाउट? इजी है, प्लीज इजी रहने देना। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी जो हमने लॉसेस एड बैक करे, हमें कैसे पता चलेगा सर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स हैं? इफ देर इज एनी एक्सपेंस विच इज नॉट ऑफ रूटीन नेचर, सर कहाँ मतलब अदर एक्सपेंसिस में ही हो सकता है ना बेटा, बस क्योंकि बाकी सारे तो रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस हैं। फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट अ एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस, वो एक रूटीन बिजनेस एक्सपेंस है, वो देखेंगे अभी उसकी क्लास, वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बट वो कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नेचर नहीं। तो अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस है तो या तो आपको अलग से लिख के दिया होगा या अदर एक्सपेंसेस के नोट्स टू अकाउंट्स में आ रहा होगा। एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम है तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में आ रहा होगा, नोट्स टू अकाउंट्स में, या आपको अलग से आइटम वाइज डिटेल्स दे रखे हैं तो आपको रीड करके आना चाहिए। अब यार अगर लॉस बाय अर्थक्वेक है, लॉस बाय फायर है, ये सब एक्स्ट्रॉर्डनरी अब नॉर्मल लॉसेज होते हैं, ये कोई रूटीन लॉसेज एक्सपेंसेस नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम है, क्लेम रिसीव फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट, कुछ भी मतलब ऐसे अब नॉर्मल इनकम है तो वो आइडेंटिफाई करना दिक्कत नहीं होगी। कोई भी डाउट? तो फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। स्टार्टिंग पॉइंट अगर सरप्लस है तो अप्रोप्रिएशंस भी एड बैक रिवर्स होंगी, टैक्स भी रिवर्स होगा और एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स भी रिवर्स होंगी। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल फिगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो सिर्फ टैक्स और एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स रिवर्स हो। कोई डाउट? सर अगर हमें ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, ना बैलेंस शीट गिवन है, सिर्फ आइटम वाइज डिटेल्स गिवन है, तो फिर जैसी इंफॉर्मेशन गिवन है आप वैसे यूज करोगे। कि अगर लिखा हुआ है ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड कुछ भी मतलब दिया हुआ है लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर नहीं है, और उसके बाद अगर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा कि वो इन्फॉर्मेशन किस हिसाब से दे रखी है, तो वो एड बैक होगा कि नहीं होगा, इट विल डिपेंड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ओके सर, इसको प्लीज एक बार अप्लाई करके दिखाओ, है तो बड़ी सिंपल सी चीज। ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, वर्किंग ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मे बी गिवन बाय वे ऑफ अ वर्किंग नोट और इन द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इटसेल्फ। टेक्निकली करेक्ट, वर्किंग नोट होता है, कन्वीनियंस से स्कूल लेवल पे दोनों बातें अलाउड हैं। रीजंस मैं आपको सारे बता ही चुका हूँ, ठीक है ना, कि इंटरिम डिविडेंड क्यों ऐड होता है, जितनी मैंने बातें बोली ना सब रिटन है, सब रिटन है। प्रपोज डिविडेंड कौन सा, तो ठीक है हाँ ये बातें बता चुका मैं, कह रहा हूँ जितनी बातें मैं आपको बोलूंगा ना सब साथ में शेयर भी कर रहा हूँ। प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर का क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का बता दिया, प्रीवियस ईयर यहाँ पे ऐड बैक हो रहा है और कहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो शो किया जाएगा, कुछ नहीं करेंट ईयर का तो दिखाएंगे नहीं। नो अफेक्ट इज गिवन टू द प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड ऑफ करेंट ईयर कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हम एड बैक कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, करेंट ईयर का एड बैक हो जाएगा। हमें यहाँ पे करेंट ईयर प्रोविजन से मतलब है, माइनस होगा ना सर टैक्स पेड जो, वो ऑपरेटिंग में लास्ट में आएगा। अभी क्या है, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, टैक्स से पहले का फिगर चाहिए, तो टैक्स रिवर्स करने के लिए बोल रहे हैं। कौन सा रिवर्स होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर, और रिफंड अगर है तो माइनस हो जाएगा। ओके ओके ओके, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्लीज अब आपके लिए ये फॉर्मेट काम कर, मतलब इसे बोल रहे ना कि एग्जॉस्टिव फॉर्मेट कौन सा है, ये तो वो है ना कि अगर अप्रोप्रिएशंस नहीं है, अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, बट एग्जॉस्टिव क्या है, ये इस पे ऊपर वाले आइटम्स भी आ गए और अप्रोप्रिएशंस भी आ गए। कोई भी डाउट? बस इतने से पोर्शन को आप कॉपी कर देंगे। अब एक बात बस सुन लेंगे ध्यान से, अगर बैलेंस शीट है तो आपको क्या होगा, कंपेरेटिव दे रखी होती है, कंपेरेटिव मतलब 2 साल का डेटा गिवन होता है, 2 साल का डेटा करेंट ईयर प्रीवियस ईयर,
तो आपको दे रखा है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या दे रखा है, सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर 10 लाख, प्रीवियस ईयर 6 लाख, करंट ईयर 10 लाख, प्रीवियस ईयर 6 लाख। इस साल का प्रॉफिट फिर कितना रहा होगा, जब किसी चीज का ओपनिंग बैलेंस 6 लाख था और क्लोजिंग 10 लाख है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 4 लाख होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, उसे बोलते हैं बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट विदाउट स्टार्टिंग पॉइंट। अगर बैलेंस शीट दे रखी है, अगर दो फिगर्स दे रखे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट कैसे आएगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस एंड द ओपनिंग बैलेंस। फिर उसके बाद ऐड क्या होगा, चलो लास्ट टाइम ऐड क्या होगा, ऐड होगा प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, ऐड होगा इंटरिम डिविडेंड, ऐड होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐड होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंट ईयर, ऐड होगा एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉसेस, माइनस होगा रिफंड ऑफ टैक्स, माइनस होगा एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेन्स। कोई भी डाउट, एग्जॉस्टिव लिस्ट याद होनी चाहिए आपको, कि सारे के सारे याद होने चाहिए, छपे होने चाहिए, एग्जाम में जरूर जरूर सारे आइटम्स हैं, हो सकते हैं हो सकते हैं ना, बट आपके दिमाग में फॉर्मेट छपा होना चाहिए। फुल स्पीड में कॉपी करेंगे बस इतना सा फॉर्मेट।